शुक्र शुक्र। वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू चंद्रन सिटी इलाहाबाद। दोस्तों देर इज अ प्रॉब्लम विद द साउंड गाइज, बट आई थिंक आई एम बैक नाउ वंस मोर। एंड साउंड लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू गाइज, आई थिंक इट्स ऑडिबल नाउ, इस आई कैन जज इट नाउ। इनफैक्ट वी हैड नो साउंड, दैट इज द प्रॉब्लम। सो लेट्स गो, वी विल स्टार्ट गाइज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आई मीन वी आर नॉट रनिंग आउट ऑफ टाइम। So this, as I told you guys, I think you didn't get anything at the beginning of the lecture. So I would just like to tell you something. Yes, I said every play is unique in itself. दोस्तों हर प्ले में शेक्सपियर में कुछ खास बात होती है। जैसे इसी को ले लीजिए, लव्स लॉस्ट। अजीब बात है दोस्तों कि इसमें छह सात ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आपको बहुत अजीब लगेंगे। तो आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं, वो छह सात रिकॉर्ड क्या है। शुरू करते हैं पहला, पहले बेसिक बातें तो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। द प्ले सीम्स टू हैव बीन रिटन इन 1595 टू 1596। दोस्तों जो इस प्ले की डेट है दोस्तों, शेक्सपियर के प्लेज की क्रोनोलॉजी बहुत आती है, तो इसकी डेट आई मीन 1595 से 96 के आसपास है। और इट वॉज पब्लिश इन द फर्स्ट कॉर्ट ऑफ 1598, यह 1598 के दोस्तों कॉर्टो में इसे पहली बार पब्लिश किया गया था। एंड दिस प्ले हैज द लार्जेस्ट वर्ड गिवन बाय शेक्सपियर कॉल्ड, आई डोंट नो हाउ टू स्टडी जस्ट रीड इट, स्पोकन बाय कोस्टर्ड। दोस्तों इसमें एक करेक्टर है कोस्टर्ड, जो शेक्सपियर के द्वारा बनाया गया सबसे लंबा वर्ड बोलता है आपको। आई डोंट नो हाउ टू जस्ट हॉनरी फिकेबिलिटी डी निटेटी बस, आई डोंट नो हाउ जस्ट स्टडी। तो दोस्तों ये शेक्सपियर द्वारा किया, तो आप ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर द्वारा यूज किया गया सबसे बड़ा शब्द कहाँ है दोस्तों, लव्स लवर्स लॉस्ट में, जो कौन बोलता है, कोस्टर्ड। आइए देखते हैं, दिस प्ले हैज लार्जेस्ट सीन विच इज सीन टू और फिफ्थ एक्ट विथ 942 लाइंस। दोस्तों इस नाटक में सबसे बड़ी सीन भी है शेक्सपियर द्वारा क्रिएट की गई, जो कि पांचवे एक्ट की दूसरी सीन है, जिसमें 942 लाइनें हैं दोस्तों। आई मीन द बिगेस्ट वन, यस द प्ले है दोस्तों, हर एक अजीब अजीब से रिकॉर्ड है दोस्तों। हाँ देखिएगा, द प्ले हैज लॉन्गेस्ट स्पीच स्पोकन बाय बिरोन इन सीन टू एक्ट फोर विच रन 77 लाइंस। दोस्तों और क्या किसी भी करेक्टर द्वारा बोला गया है सबसे बड़ा शायद स्पीच भी है दोस्तों, जो 77 लाइन का है, जो एक करेक्टर बोलता है बिरोन और ब्राउन। आइए एक बार देखते हैं, यस बड़ी मजेदार बात दोस्तों, तीन बार इसकी टाइटल को चेंज किया गया। अब देखिए जिसे अभी आप देखेंगे, द अर्लियर टाइटल ऑफ द प्ले वाज लव्स लेवर्स लॉस्ट 1598। तो जो पहला फोलियो एडिशन था दोस्तों, इसकी टाइटल इसकी थी। आई मीन देर, देखिए इसमें ध्यान देने लायक बात क्या है, देर वॉज नो एपोस्ट्रोफी, इसमें कोई भी एपोस्ट्रोफी नहीं था। अब दोस्तों जब अब देखिए आगे चलेंगे, जब सेकेंड एडिशन आया, सॉरी माफ करेंगे, जब फर्स्ट फोलियो एडिशन आया कॉन्डेल और हेमिंग्स का, इसके नाम में दोस्तों लव्स लेवर्स लॉस्ट तो आया, पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी कहां आया, आर के बाद। फिर दोस्तों 1631 के एडिशन में इसको फिर से क्या बनाया गया, लव्स लेवर्स लॉस्ट, मतलब जो ओ आर था उसे यू आर बनाया गया। और दोस्तों लास्ट तीसरी बार जब सेकंड फोलियो आया 1632 का गाइज, तो उसमें जाके गाइज इसमें इसकी आज की टाइटल दिखती है लव्स लेवर्स लॉस्ट। आइए देखते हैं, यस The play has five acts and nine scenes, with act five having largest number three scenes. दोस्तों इस नाटक में पांच एक्ट हैं, नौ सीन्स हैं, जिसमें एक्ट फाइव में सबसे ज्यादा कितनी सीन्स हैं, तीन सीन्स हैं। और दोस्तों प्ले में 2758 लाइन्स हैं। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं, यस आई द प्ले हैज नो क्लियर सोर्स। दोस्तों मैंने काफी तलाशा, पर इसकी कोई, आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोई क्लियर सोर्स भी है या फिर नहीं है। आइए एक बार देखते हैं, इसको दोस्तों शुरू करते हैं। करेक्टर्स, फर्डिनेंड जो कि दोस्तों किंग है कहां के, नवारे के, लॉर्ड बिरोन, इनके तीन दोस्त हैं, आई दोस्तों ढोंगी फ्रेंड्स, लॉर्ड बिरोन, लॉर्ड लॉन्गविल और लॉर्ड जुमेन, ये दोनों तीनों दोस्तों इनके दोस्त हैं, अटेंडिंग ऑन द किंग, ये किंग के दोस्त हैं। आई और ये दोस्तों हीरोइंस का भी अपना ग्रुप है, देखेंगे प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, दोस्तों फ्रांस की राजकुमारी है जो बाद में फ्रांस की रानी बनती है, ऐसा हमें प्ले में पता चलता है। यस इसको एंड लेडी रोजलिन, और दोस्तों इनकी भी तीन सहेलियां हैं, लेडी रोजलिन, लेडी मारिया, लेडी कैथरीन, और दोस्तों एक उनका अटेंडिंग प्रिंसेस का अटेंडेंट है जिसका नाम है बॉयट।
और दोस्तों अगला क्या है, एक मर्केडी या मर्केड वट एवर यह मैसेंजर है दोस्तों। और अगला जॉन एड्रियानो डी अर्मेडो, एक दोस्तों फैंटेस्टिकल दोस्तों एक फैंसी फैशनेबल स्पेनियार्ड है। नाउ वी आर बैक, यस नो इशू दोस्तों, इट्स ऑल राइट, हाँ यस विट अ मोमेंट एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन नाउ, यस राइट आइए राइट शुरू करते हैं। यस दोस्तों शुरू करते हैं, क्या है फर्डिनेंड द किंग ऑफ नवार एंड हिज थ्री नोबल कंपेनियन, चलते दोस्तों। यस ओके राइट यस राइट ठीक आई शुरू कर शुरू कर यस तो देखते हैं दोस्तों द लॉर्ड बिरोन डोमेन एंड लॉन्गबिन, तो इन्होंने क्या कहा है कि तीन साल तक के ना तो किसी आई मीन औरत से मिलेंगे बल्कि उपवास रखेंगे दोस्तों। तो क्या होता है ये देखते हैं, यस ओके एंड फास्टिंग बिरोन एग्रीज, आइए दोस्तों दे डिवोट देमसेल्फ टू द थ्री इयर्स ऑफ स्टडी एंड फास्टिंग, दोस्तों तीन वर्षों तक वो अध्ययन करते हैं और उपवास करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, उपवास करेंगे और क्या करेंगे इसको। बिरोन एग्री समवट मोर हेजिटेंटली देन द अदर, और दोस्तों इसमें से इन तीनों में से जो बिरोन है दोस्तों वो कहता है नहीं यार एक बार सोच लो, इतनी बड़ी कसम खाने का क्या मतलब है। फिलहाल फाइनली वो भी एग्री होता है पर उसे थोड़ा दिक्कतें आती है दोस्तों। आई देखते हैं इस द किंग डिक्लेयर्स दैट नो वुमन शुड कम विद इन अ माइल ऑफ द कोर्ट, और दोस्तों महाराजा डिक्लेयर करते हैं क्या कि कोई भी महिला कोर्ट के एक मील के आसपास भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। आई डॉन एड्रियानो डी अर्मेडो, दोस्तों डॉन एड्रियानो डी अर्मेडो एक स्पेनियार्ड है जो कि कोर्ट आते हैं दोस्तों किसके लिए, उनके पास एक झगड़ा है कि कोस्टार्ड और कनेडा के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोस्तों। आइए तो क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग एक बार देखते हैं। आफ्टर द किंग सेंटेंसेस कोस्टार्ड डॉन अर्मेडो कन्फेसेस हिज ओन लव फॉर जैक्वनेटा टू हिज पेज मोद, और दोस्तों जब किंग नवारे बेचारे कोस्टार्ड को कुछ सजा दे देते हैं तब पता चलता है क्या कि वास्तव में जैक्वनेडा को पे निगाह रखता है प्यार के लिए कौन, खुद कौन, डॉन एड्रियानो दोस्तों। ये देखते हैं डॉन एर्मोडो राइट्स जैक्वनेडा लेटर एंड आस्क कोस्टार्ड टू डिलीवर इट, और दोस्तों जॉन एर्मोडो दोस्तों एक लेटर लिखता है किसको, जैक्वनेडा को, और यह लेटर बोलता है कि तुम डिलीवर कर दो किसको, जैक्वनेटा को। तो आइए देखते हैं क्या होता है। द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस एंड हर लेडीज अराइव विशिंग टू स्पीक टू द किंग रिगार्डिंग द सेशन ऑफ एक्विटेन बट मस्ट अल्टीमेटली मेक देयर कैंप आउटसाइड द कोर्ट ड्यू टू द डेक्री, दोस्तों क्या इसी भी दोस्तों फ्रांस की राजकुमारी पहुंचती है कहां, किंग ऑफ नवारे के यहां, और वो कहती है दोस्तों क्या ये एक शहर है जिसका नाम है शायद एक्विटेन, देख सकते हैं शायद ये मुझे नहीं पता चला दोस्तों ये कि ये शायद किंग ऑफ नवारे को दिया जाना है या किंग ऑफ नवारे से लिया जाना है यह शहर, आई मीन देना या लेना है इसके दोस्तों। आइए देखते हैं बट लेकिन दोस्तों मजबूरी में, क्योंकि राजा ने बोला है कि तीन साल तक किसी भी महिला का कोर्ट में आना मना है, इसलिए उनको मजबूरी में बाहर ही एक कैंप बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यस इन विजिटिंग द प्रिंस एंड हर लेडीज एट देयर कैंप द किंग फॉल्स इन लव विद प्रिंसेस एंड एज डू द लॉर्ड्स विद द लेडीज, बड़ी अजीब कहानी दोस्तों। और जब कैंप में वो कहा कि ठीक है मैं खुद कैंप में जाऊंगा, यस आई आई उन्होंने कहा मैं खुद की कैंप में जा रहा हूँ और मैं इन लोगों से वहीं पर मिल लूंगा, और जब वो जाता है दोस्तों तो प्रिंसेस को देख कर किंग ऑफ नवारे को दोस्तों प्यार हो जाता है, और एग्जैक्ट यही कहानी इनके तीनों मित्रों के साथ भी होता है। और सारा का सारा दोस्तों जो राजा देश होता है, राजा का आदेश होता है, वह सब का सब दोस्तों धरा रह जाता है। ये देखते हैं
Biron gives Costard a letter to deliver to Lady Rosaline, which Costard switches with the Don Armado's letter that was meant to Jack Veneta. और दोस्तों बड़ी अजीब कहानी है इसमें, थोड़ा सा जो भाई बिरोन होता है, जो ब्राउन होता है, वो हमें लग रहा है दोस्तों सबसे ज्यादा तेज होता है। वो एक लेटर लिखता है लेडी रोजलिन, जो कि सहेली है दोस्तों किसकी, प्रिंसेस की, उन्हें डिलीवर करने के लिए। अब दोस्तों आप जानते हैं कोस्टर्ड के पास एक लेटर पहले से होता है जो डॉन आर्मेडो से लिख करके दिया होता है, जो उसे किसको पहुंचाना था, जैक वेनेटा को। गलती से क्या होता है कि वह लेटर जो बिरोन का लेटर है, वह लेटर वो गलती से डिलीवर कर देता है जैक वेनेटा को, और बहुत मजा आता है दोस्तों, देखेंगे इसको। आई जैक्वेनेटा कंसल्ट्स टू स्कॉलर्स होलोफर्नीज एंड सर नेथनियल, हु कंक्लूड दैट लेटर इज रिटन बाय बिरोन एंड इंस्ट्रक्ट हर टू टेल द किंग। और दोस्तों क्या, दोस्तों जब जैक्वेनेटा इस लेटर को पाती है तो परेशान हो जाती है, और वो दो स्कूल मास्टर्स को, जिसमें एक होलोफर्नीज दोस्तों का प्रमुख है। गाइज एक बात तो साफ है, जैसे आपने देखा होगा कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि शायद अपने कैरियर में शेक्सपियर ने कुछ वक्त तक एक स्कूल में एक स्कूल मास्टर के तौर पर भी काम किया हो दोस्तों, कम से कम इस प्ले से हमको जरूर लगता है। तो क्या होता है, जैक वेनेटा एक स्कूल मास्टर को कंसल्ट करती है कि मुझे प्लीज ये बताओ कि ये लव लेटर किसने लिखा या किसने इस लेटर को लिखा है, तो आइए देखते हैं इसको। और जब होलोफर्नीज राइटिंग पढ़ता है तो ये समझ जाता है कि यह लेटर वास्तव में जैक वेनेटा के लिए लिखा ही नहीं गया था, यह लेटर लेडी रोजलिन के लिए लिखा गया था, और इसे बिरोन ने लिखा था क्योंकि राजा आदेश था, क्या क्या था कि 3 वर्ष तक कोई भी औरतों से नहीं मिलेगा, इसलिए उसे लगता है कि इन्होंने राजा के कहने को तोड़ दिया है, उनके वचन को, इसलिए वो कहता है कि अब मैं जाऊंगा राजा को इसके बारे में कंप्लेंट करूंगा। और ये काम वो बोलते हैं किसको, जैक वेनेटा को, कि तुम जाओ और किंग ऑफ नवारे के यहां कंप्लेंट करो दोस्तों। तो क्या होता है देखेंगे, द किंग एंड हिज लॉस लाइन हाइडिंग एंड वॉच अनदर एज ही सबसिक्वेंटली रिवील्स देयर फीलिंग्स ऑफ लव। और दोस्तों क्या, और दोस्तों क्या होता है, राजा और उनके लॉर्ड्स दोस्तों कहां जाते हैं, कहीं दोस्तों शायद छुपे रहते हैं, और वो कहते हैं कि हम लोग चलेंगे देखेंगे खूबसूरत राजकुमारी और उसकी सहेलियों को। और दोस्तों जब ये लोग वहां पे देख रहे होते हैं उनको, तभी वो दोस्तों छुपे होते हैं, एक दूसरे को देख नहीं रहे होते दोस्तों, और क्या इसी तरह से वो लोग अपने प्यार की फीलिंग को बयां कर देते हैं दोस्तों। और किंग ऑफ नवारे उनको दोस्तों डांटता है कि तुम लोग बहुत ही बेकार हो, तुमने कसम तोड़ दी। बट बिरोन रिवील्स दैट किंग इज लाइकवाइज इन लव विद द प्रिंसेस। पर दोस्तों बिरोन कहता है महाशय हमको क्यों डांट रहे हैं, प्यार तो आपको भी हुआ है, किसके साथ, राजकुमारी के साथ। दोस्तों देखते हैं, जैक वेनेटा एंड कोस्टर्ड इंटर विद बिरोन लेटर अक्यूज हिम ऑफ ट्रीजन। और दोस्तों क्या होता है, जैक वेनेटा और कोस्टर्ड वो लेटर लेके आते हैं ब्राउन का, और वो कहते हैं कि यह लेटर तुमने जैक वेनेटा को भेजकर राजा द्वारा खाई गई कसम को तोड़ दिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, और उसके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं। बिरोन कन्फेसेस टू ब्रेकिंग द ओथ एक्सप्लेनिंग दैट द ओनली स्टडी वर्दी ऑफ मैन काइंड इज दैट ऑफ लव एंड ही एंड द अदर मैन कलेक्टिवली डिसाइड टू रिलिंक्वेश द वॉर। दोस्तों क्या होता है, जब पोल खुल जाती है किसकी, बिरोन की, तो कहता है कि वास्तव में मानवता का सबसे बड़ा अध्ययन ही है प्यार का अध्ययन करना, इसलिए वो कहता है कि हमें इस कसम को तोड़ देना चाहिए। और दोस्तों एग्जैक्ट वही होता है, राजा और उसके तीनों मित्र कसम खाते हैं क्या कि अब ये जो 3 साल की हमने कसम खाई थी किसी महिला से नहीं मिलेंगे, फिलहाल उस कसम को हम तोड़ रहे हैं। आइए अभी तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, देखते हैं। यस यस गो अरेंजिंग फॉर होलोफर्नीज टू एंटरटेन द लेडीज लेटर द मेन देन ड्रेस एज मस्कोबाइट्स एंड कोड द लेडीज इन डिस्गाइज। और दोस्तों फिर क्या होता है, और गाय जैसे होता नहीं नकाब पहनना और इस तरह से, दोस्तों होलोफर्नीज को बोलते क्या है कि तुम्हारा काम है, तुम एक स्कूल मास्टर हो, ज्ञानी हो, तुम जाके एंटरटेन करो लेडीज को। और दोस्तों नकाब पहन के, चेहरे पर नकाब लगा के तीनों, मतलब प्रिंस किंग ऑफ नवारे के तीनों फ्रेंड और किंग ऑफ नवारे दोस्तों लेडीज से, तीनों लेडीज से मिलते हैं। गाइस आइए सब करते हैं, चलिए देख तो कैसे मिलते हैं दोस्तों, चेहरे पे एक नकाब लगा होता है, क्या होता है, इस बॉयट हैविंग ओवरहर्ड देयर प्लानिंग हेल्प द लेडीज ट्रिक द मैन बाय डिस्गाइजिंग देमसेल्फ एज ईच अदर व्हेन द लॉर्ड्स रिटर्न एट देमसेल्फ द लेडीज टॉन्ट देम एंड एक्सपोज देयर रूस। दोस्तों क्या होता है, ध्यान से देखेंगे,
और दोस्तों बॉयड जो महा जो प्रिंसेस का दोस्तों अटेंडेंट था, उसने इन लोगों की ये नकाब लगाकर जा करके औरतों को टीच करने का दोस्तों वो प्लान सुन लिया था। और उसने प्रिंसेस को बता दिया कि आपके बीच में ये जो लोग आने वाले हैं कोई नहीं, किंग और उनके तीनों फ्रेंड्स होंगे। और इस तरह से ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं और ये लोग इनका खूब मजा लेते हैं गाइस। आइए देखते हैं इसको। द मेन अपोलोजाइज एंड व्हेन ऑल आइडेंटिटीज आर राइटेड दे वॉच होलो फर्नीज सर नेथनियल कुस्टर्ड मूट एंड डॉन आर्मेडो प्रेजेंट द नाइन वर्दीज। दोस्तों क्या, और जब दोस्तों लोग उनसे माफी मांगते हैं और दोस्तों शायद एंड व्हेन ऑल आइडेंटिफाइड आइडेंटिटीज आर राइटेड, और दोस्तों जब सब अपनी असली पहचान में आते हैं दोस्तों, देखा जाता है क्या कि होलो फर्नीज सर नेथनियल कोस्टर्ड मूट और डॉन आर्मेडो दोस्तों प्रेजेंट करते हैं एक प्ले जिसे हम नाइन वर्दीज कहते हैं दोस्तों। आई द फोर लॉर्ड्स एज वेल एज लेडीज कोर्टियर बॉयड हकल द प्ले एंड डॉन आर्मेडो एंड कोस्टर्ड ऑलमोस्ट कम टू ब्लोज व्हेन कोस्टर्ड रिवील्स मिड पेजेंट दैट डॉन आर्मेडो हैज गॉट जैक पनेटा प्रेग्नेंट। दोस्तों और क्या, और दोस्तों युद्ध इस नाटक के दौरान ही ऐसा लगता है कि कोस्टर्ड में और डॉन दोस्तों आर्मेडो में शायद झगड़ा हो जाएगा, जब उसे पता चलता है क्या कि जैक पनेटा शायद प्रेग्नेंट हो गई है किससे, आई मीन आर्मेडो से। आगे चलते हैं इसको। देयर स्पेट इज इंटरप्टेड बाई द न्यूज दैट प्रिंसेस फादर हैज डाइड। दोस्तों और क्या, यह दोस्तों यह मुझे ऐसा लगता है, यस ओके, यह मुझे ऐसा लगता है दोस्तों क्या, ओके राइट, यस यस यस, ओके ठीक। और दोस्तों चलेंगे यस, और जैसा दोस्तों आपको लगता है क्या, आई मीन दिस इज द ओनली प्ले ऑफ शेक्सपियर दोस्तों जो है तो एक कॉमेडी, पर दोस्तों ऐसा लगता है इट बिकम्स अ काइंड ऑफ डार्क कॉमेडी, सडनली द सेंस ऑफ सेपरेशन कम्स अप। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में राजकुमारी और उनकी सहेलियां भी मान लेती हैं खां हम आप लोगों से प्यार करते हैं, शादी के लिए दोस्तों तैयारियां शायद होने वाली है, कि तभी दोस्तों तब आपको टाइटल इसका समझ जाएगा लव्स लेवर्स लॉस्ट। आई विल टॉक अबाउट द टाइटल दोस्तों। और दोस्तों अभी क्या है कि सब कुछ शादी विवाह की शायद तैयारियां चलने वाली हैं। देयर स्पेड इज इंटरप्टेड बाय द न्यूज दैट द प्रिंसेस फादर हैज डाइड। दोस्तों क्या होता है, इसी बीच दोस्तों ये लोग प्यार मोहब्बत में खूब रोमांस में बिजी हैं, तभी पता क्या चलता है कि शायद राजकुमारी के पिता की डेथ हो गई है दोस्तों। द प्रिंसेस मेक्स प्लान्स टू लीव एट वंस एंड सी एंड हर लेडीज रेडिंग फॉर मॉर्निंग declare that the men must wait for a year and a day to prove their love's lasting। और क्या, और दोस्तों क्योंकि राजकुमारी को जाना होता है वापस फ्रांस में, इसलिए दोस्तों वो और उसकी सहेलियां जब वहां जानी होती हैं फ्यूनरल में शामिल होने के लिए, वो दोस्तों किंग और उसको फ्रेंड को बोलते हैं क्या कि अब हम लोग एक साल बाद आएंगे, एक साल तक तुम लोगों का प्यार ऐसे ही रहना चाहिए। दोस्तों आइए और लेट्स गो। यस डॉन आर्मेडो अनाउंसेस ही विल स्वेयर इन अ सिमिलर ओथ टू जैक पनेटा एंड देन प्रेजेंट्स नोबल्स विद अ सॉन्ग। और दोस्तों क्या कह रहा है, डॉन आर्मेडो कह रहा है कि एग्जैक्ट वे जैक पनेटा के साथ भी यही करेगा, अब वो जैक पनेटा से एक साल बाद शादी करेगा। दोस्तों बहुत ही बड़ी कॉमेडी आप समझ सकते हैं, और वह नोबल्स के लिए एक सॉन्ग दोस्तों प्रेजेंट भी करता है। आइए आइए इसको शुरू करते हैं। ओके राइट शुरू करते हैं। यस यस ओके। और अब दोस्तों कुछ हल्के फुल्के, जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका कोटेशंस, तो कुछ हल्के से कोटेशंस मैं लेना चाहूंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, सिर्फ मैंने दो लिए हैं, देखते हैं। यस तो दोस्तों बिरोन जो ब्राउन है दोस्तों, जब ये लोग एक जब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम तीन सालों तक स्टडी नहीं करें, स्टडी करेंगे किसी महिला से, शराब से, वाइन से, कुछ नहीं, तो दोस्तों वो एक बड़ी मजेदार लाइन कहता है, तो मैंने उसको कोट किया, देखेंगे। ओ दीज आर बैरन टास्क टू हार्ड टू कीप
नॉट टू सी लेडीज स्टडी फास्ट नॉट स्लीप, करा क्या करा, ये बहुत ही मुश्किल काम है क्या, और इसे करना कोई आसान नहीं है, और काम क्या है, नॉट टू सी लेडीज कि हम 3 साल तक किसी महिला से नहीं मिलेंगे, स्टडी खूब पढ़ाई करेंगे मतलब ज्ञान प्राप्त करेंगे, फास्ट उपवास करेंगे और हम सोएंगे नहीं। तो कर मतलब ये बहुत मुश्किल है यार, थोड़ा कसम खाने से पहले एक बार सोचो, यह बहुत मुश्किल कसम हो सकती है। और दोस्तों क्या होता है, यस और दोस्तों ये कहते नहीं दोस्तों, यह लाइन बड़ी फेमस लाइन है इस प्ले से दोस्तों, कम से कम यह लाइन तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसमें दोस्तों राजकुमारी अपने दोस्तों अटेंडेंट बॉयड से कहती है क्या, ब्यूटी इज बॉट बाई जजमेंट ऑफ द आई, कह रहा दोस्तों खूबसूरती चेहरे से नहीं होती, खूबसूरती आदमी अपनी आंखों से देखकर जो जजमेंट करता है उससे किसी को कोई चीज कभी कभी खूबसूरत नहीं होती, तो भी किसी को खूबसूरत लगती है दोस्तों, दर्शाओ द प्ले गोज। तो आइए एक बार नटसेल दोस्तों आपको सुनाता हूं। पहला, दिस प्ले हैज सो मेनी रिकॉर्ड, इट्स टाइटल वाज चेंज ऑलमोस्ट 3 times, दिस प्ले हैज द लॉन्गेस्ट सीन ऑफ एनी अदर, यू नो लॉन्गेस्ट सीन ऑफ इन कंपेरिजन टू एनी अदर प्ले ऑफ द शेक्सपियर। सेकेंड, इट हैज द लार्जेस्ट वर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर दैट इज स्पोकन बाई कोस्टर्ड, एंड अलॉन्ग विद दैट अगेन दिस हैज लॉन्गेस्ट स्पीच एवर स्पोकन बाई एनी करेक्टर ऑफ शेक्सपियरियन प्ले एंड दैट इज सेड बाई मिस्टर बिरोन। तो आई होप दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर। सो ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल राइट एक्चुअली सी गाइज, देर आज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस टुडे दोस्तों, वो कहते ना आप में बस इरादा होना चाहिए, कुछ भी चीज़ें संभव नहीं दोस्तों। एक बार आई मीन थोड़ा साउंड हुआ, फिर थोड़ा एक बार ऐसा हुआ कि ऑब्वियस थोड़े समय के लिए दोस्तों डिस्टर्ब हो गया था, तो फिलहाल अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक और सेशन कल और धुआंधार तरीके से गाइज। तो आज के लिए मैं यहीं से इजाजत लेना चाहूँगा दोस्तों, फिर कल मुलाकात होगी, टिल देन आई से गुड बाय टू गाइज। और दोस्तों मैं आपको एक फाइल ऐप पे डाल दे रहा हूँ, जैसा फाइल अभी ऐप पे डाल दे रहा हूँ, आप अभी जस्ट 2 मिनट बाद ऐप से इस फाइल को रिसीव कर सकते हैं। तो टिल देन आई जस्ट बेग योर गुड बाय गाइज, लिविंग यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।